हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं, हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 200 गलतियां की, वहां सब पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं है, हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं, उनके आदमी हैं। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, एनआरआई भाई हैं, चाहे और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी, उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते, 140 करोड़ देशवासियों की मांग है, उसमें से 60 करोड़ से अधिक किसान है इस देश में, खेत मजदूर अलग हैं, तो 70-75% आबादी की मांग है। सब हम मिलके करेंगे, इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। तो ये हमारी बात, सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है, आंसू गैस के करे, वो कर ही रहे हैं सब कुछ हमारी ओर से। उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पूरी पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए, ठीक है, वो हमारे अक्ष को से, हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हमने तो मंत्री महोदय से कहा, आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया, आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए, आप ये बेंगलोर से आ रहे थे, ये हमारे लोग, उनकी एक और थी आगू, उसको बालों से जैसे खींचा गया, उसके सर पर चोट लगी, हम फिर आपसे वार्ता करने गए, आपने उड़ीसा में 100 किसान आ रहे थे, टिकटें ली हुई थी, उनको अरेस्ट कर लिया, आप इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुँचे, क्यों पहुँचे, हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए। वहाँ मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए, हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाज़ा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, अजय लगता उन्हें कि हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। देखिए सीधी सी बात, बहुत आसान बात है, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, वो कह रहे हैं इस पर मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, सीएसीपी एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता, वो सारी डिटेल्स ले लेता है, वो 23 फसलों पर पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है, हर 6 महीने बाद गेहूँ हो, धान हो और चीज़ें हैं उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दें कि आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पर कमेटी बनाए, हमने बोला इस पर तर्क दीजिए, इस पर कमेटी बनाने की जरूरत है ही नहीं है। तो इससे वो बिल्कुल, उसका जवाब उनके पास नहीं था, आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। हमने ये भी बोला, मान जो प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने कहा था एमएसपी गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है, और 2018 में तत्कालीन खेती बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है जिन्होंने कहा था C2+50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे, उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था, तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर, सरकार का पक्ष भी सुना, जो पीएल डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना, और निर्णय किया कि एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा, हमने कहा आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आप क्यों दिया, 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था, जिससे हम निराश हुए हैं कि सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। सरकार ने अभी तक एक भी कदम
किसानों मजदूरों के हक की आवाज के लिए नहीं बढ़ाया है। तो दूसरी बात, जब हमने बोली है कि आप चर्चा की बात आज करते हैं कि दो साल के अंदर एक भी एमएसपी की कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, आपका कहीं बयान तक नहीं आया, सरकार ने कहीं संसदीय सत्र बुलाने की बात नहीं की कि विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो सरकार की तरफ से एक भी कदम नहीं है। और हमने कल स्पष्ट कर दिया था कि जब अमृतसर से काफिला चला था कि हमने दिखाया कि कितने डिसिप्लिन के साथ किसान चल रहे हैं, बिल्कुल रोड नहीं रोका गया था, एक लाइन के अंदर किसान थे, लगभग 600 से ऊपर ट्रैली थी, आज 1000 ट्रैली यहाँ पर फतेहगढ़ साहब के अंदर खड़ी है, बिल्कुल लाइनबद्ध, और कहीं पर भी नहीं रोका जा रहा है। और लोगों को परेशानी हो रही है ये पिछले 3 दिन से, मैंने कल ही पढ़ा था कि बार चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने इसके लिए बोला है कि आप ये हम नहीं पहुंच सकेंगे कोर्ट, आप हमारा इसमें सहयोग करें और उसके लिए पीआई दिल्ली जाएंगे या माला जब रोक दिया जाएगा वहीं रुकेंगे? देखिए, अभी इसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा, मौके की परिस्थितियां किस तरह की होगी, क्या निर्णय लेने पड़ेंगे ये मौका बताएंगे। आप किसानों के और बातचीत की जा रही है, कोई बातचीत करने होता आया क्या? देखिए बातचीत हो रही है, बातचीत के लिए तैयार है, इसमें कोई दो नहीं है, रास्ता खुला हुआ। हाँ, बातचीत से सरकार निकालना कुछ नहीं चाहती, हाँ आंदोलन को टालना चाहती है। पंडेर साहब ये मान के चले, इस बार पंडेर साहब ये मान के चले कि गुरनाम चढ़ूनी राकेश टिकैत इस आंदोलन में नहीं दिखेंगे? सभी दिखेंगे। देख लीजिए, आप आंदोलन की मांगों के ऊपर कंसल्टेशन करिए, ठीक है, ये देश के हित में होगा, किसान मजदूर के हित में। देखिए तो आप इनवाइट करते हैं, मैं ना सभी आएंगे, सभी को इनवाइट किया हुआ, किसी को एनी भी नहीं किया हुआ। पंडेर साहब पिछली बार पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं ली गई थी, किसी पॉलिटिकल लीडर नु अलाउड नहीं किया गया थी, इस बार अगर कोई पार्टी पॉलिटिकल सपोर्ट देती है या फिर थोड़े आंदोलन चाहना चाहती है तो वो आ सकती है नहीं आ सकती की सिनेरियो रहेगा? सपोर्ट कोई जड़ा मर्जी करे उदा की रौला, असी आप दी स्टेज ते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी नु बोलन नहीं देंगे, सपोर्टरां बारे साडी अड पहुंच होगी, कोई बाहर आके थले जो मर्जी करता रहे उदे की रौला हैगा, ठीक है, अपनी पोजीशन वेखे जे लोग विरोध करते हैं, साड़ी स्टेज तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलूगी, ठीक है। हम तो जो भाजपा समर्थित किसान और खेत मजदूर है उनको भी बोलना चाहेंगे, आप वोट चाहे तो भाजपा को दीजिए, जब किसान और खेत मजदूर की बात आ रही तो हमारे साथ खड़िए, हम आपके मांगों के लिए लड़ने जा रहे हैं। अब ये बताइए, मीटिंग हुई है उसके विच नजरिया की निकलिया, क्योंकि एक पंजाबी दी कहावत है कि दाइयां तो ढिड नहीं लुकते होंदे, केंद्रीय मंत्रियों का जिहड़ा नजरिया है उसके विच तुसीं की वेख्या कि आंदोलन होवेगा जां कितने कितने आगामी चोणां नूं लैके सब कुछ टाल मटोल ते भी होवेगा? देखो, सिर्फ नजरिया ऐसी भी आंदोलन के में टल जावे, होर उहदे विच कुछ भी नहीं सी, असीं बैठे रहे पूरा मत्था मारिया, सानूं पता लग गया घंटे च भी देना कख नहीं, असीं 4 घंटे होर बैठे रहे भी सरकार ये ना कहे भी किसान अग उठ के चले गए, देश के लोग ये ना कहें कि किसान लीडर बातचीत से मसले का हल नहीं करना चाहते, हमने पूरी उनसे कोशिश की भी कोई ना कोई मसले का हल हो जाए, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप कह रहे हैं कि सबको वो सब शंभू बॉर्डर पे पहुंचेंगे, आप कह रहे हैं शंभू बॉर्डर हरियाणा अंबाला की तरफ से आने वाले जो रास्ते हैं उनको भी सील किया हुआ है, जिसका क्या उसको लेकर अंबाला की साइड से वापस? देखिए देन साढ़े लोग कोई भी टकरा नहीं होगा, तुसी नाल होना, सरकार गोलियां मारे डांगा चलावे, सरकार टकरा कर रही है, असी नहीं टकरा करेंगे। आप ये बताइए, आपने कहा सबको इनविटेशन है, राकेश टिकैत को, गुरनाम चढ़ूनी, मैं बोल रहा हूँ, आप पर्सनल किसी के नाम ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ देश हित में लड़ाई है, देश के किसान मजदूर के लिए लड़ाई, जो आ जाए, किसी को नाम नहीं करते हम, ठीक है ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी देर में?